नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यभ्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। 26 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे हॉट सीट पर विराजमान हुए थे आशीष कृष्ण सुवर्णा जी। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और ये मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में फिलहाल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पद पे कार्यरत है। इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये केबीसी के मंच से 6,40,000 जीत कर गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे सभी प्रतिभागी को सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन दिया जाता है, जिसमें ऑडियंस पोल, 50-50, आस्क द एक्सपर्ट और फ्लिप द क्वेश्चन होता है। आखिर ये अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन से प्रश्न पे किए हैं और वो प्रश्न कितने रकम का था, वो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आशीष कृष्ण सुवर्णा जी जो हैं वो अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 40,000 के सवाल पे किए हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। वो सवाल कौन सा था, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। यह नेता 2009 से किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य है? इसमें एक ऑडियो सुनाया गया था, यानी कि उस नेता का वॉयस सुनाया गया था और वॉयस को सुनकर इनको बताना था कि आखिर वो किस लोकसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तिरुवनंतपुरम। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल किए हैं 1,60,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। स्क्रीन पे देखिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर 1,60,000 का सवाल कौन सा था। तो चक्रवात ताऊते का नाम किस प्रकार के जीव के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए छिपकली, बी सार्क, सी कबूतर और डी गोरिल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद ये अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल 3,20,000 के सवाल पे किए हैं, जो कि आज दी एक्सपर्ट था। सबसे पहले देखिए 3,20,000 के कौन सा सवाल इनसे पूछा गया था, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो दुनिया के पहले पोर्टेबल सेलफोन डायनाटेक 8000X का आविष्कार किस कंपनी ने किया था, यानी कि दुनिया में सबसे पहला पोर्टेबल सेलफोन कौन सा था, वो इनको बताना था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जवाब इनके पास मालूम था, लेकिन रिस्क न लेकर ये आस्क द एक्सपर्ट का जो इनको लाइफलाइन दिया गया था उसका ये सहारा लिए। और देखिए आस्क द एक्सपर्ट के रूप में जो नज़र आए थे वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इनके सहायता से ये यहाँ पे जीत जाते हैं 3,20,000, जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोटरोला। उसके बाद ये अपने चौथे लाइफलाइन का इस्तेमाल, यानी कि आखिरी लाइफलाइन जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था, उसका इस्तेमाल किए हैं 6,40,000 के सवाल पे। देखिए वो सवाल कौन सा था, स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। दिसंबर 2020 बॉक्सिंग विश्व कप कोलोन में स्वर्ण पदक जीतने वाले यह मुक्केबाज कौन है? ऑप्शन चार है, यह मुक्केबाज यानी कि एक तस्वीर दिखाया गया था। तस्वीर कौन सा था, देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाकर उनसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमित पंघाल। और इस तरीके से आशीष कृष्ण सुवर्णा जी अपने आखिरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन की मदद से 6,40,000 जीत जाते हैं। और फ्लिप द क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं कि उस क्वेश्चन को जो है बदल दिया जाता है, तो जो बदलने के बाद क्वेश्चन इनके स्क्रीन पे आया था, देखिए यही था। फरवरी 2021 में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 का अपना हिंदी शब्द घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसके बाद ये पहुँचते हैं 12,50,000 पे। 12,50,000 पे महानायक अमिताभ बच्चन इनसे जो सवाल पूछते हैं वो स्क्रीन पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। किस जोड़ी ने संगीतकार के रूप में अपनी फिल्म सफर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म दंगल से की थी, जिसमें काशी हिले पटना हिले नामक एक मशहूर गीत था? चार ऑप्शन है, ए नदीम सरवन, बी आनंद मिलिन, सी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और डी साजिद वाजिद। इस सवाल का सही जवाब इनके पास मालूम नहीं था, यानी कि ये कन्फ्यूज थे, कभी ऑप्शन ए पर जा रहे थे तो कभी ऑप्शन डी पर जा रहे थे। और इसी को लेकर यहाँ पे सवाल कन्फर्म न होने के कारण ये गेम को वहीं पे क्विट कर देते हैं, यानी कि 12,50,000 के सवाल पे ये गेम को क्विट करते हैं और केबीसी के मंच से 6,40,000 जीत कर जाते हैं। जबकि 12,50,000 का जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर हम आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नदीम सरवन। तो इस तरीके से 26 अगस्त कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे हॉट सीट पर आशीष कृष्ण सुवर्णा जी बैठकर 6,40,000 जीत कर गए।